नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आप लोगों के लिए डिटेल दिया आया है ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट के ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं। साथ के साथ हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो डीडीए की हाउसिंग स्कीम के ऊपर थी, यानी कि जो डीडीए 32,500 फ्लैट लेके आने वाला था उसमें से डीडीए ने 27,000 फ्लैट निकाल दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन फ्लैटों की कुछ खासियत की, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो ये फ्लैट निकाले जा रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट निकाले जा रहे हैं, और यहां पर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट गरीबी रेखा से नीचे के लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिनकी इनकम जो है कम है वो एलआईजी फ्लैट भी अप्लाई कर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस भी कर सकते हैं। बस यहां पर थोड़ा सा एक चेंज होने वाला है कि यहां पर आपसे कुछ प्रूफ मांगे जा सकते हैं। क्या प्रूफ मांगे जाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो भी हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे, तो अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर ये जो फ्लैट होने वाले हैं 27,000 फ्लैट जो है पहले आओ पहले पाओ के आधार पे हैं, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है। यानी कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस फ्लैट को चूज कर लिया वो फ्लैट आपका हो जाएगा। तो आपको ज्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जाके इसलिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो फ्लैट आपको मिल जाएगा। क्या प्रोसेस है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको क्या करना होगा, एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में आपकी नॉमिनल फीस जाती है, पहले डीडीए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर डायरेक्टली जो फ्लैट थे वो दे रहा था, लेकिन अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पे डीडीए ने क्या करा है कि सबसे पहले आपको करानी होगी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद डीडीए बुकिंग के लिए आपके फ्लैट खोल देगा और आप अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे माला, जो मर्जी चाहे फ्लैट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो फ्लैट है वो गेटेड सोसाइटी के अंदर है डीडीए की, और यहाँ पर आपको बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं मिलने वाली है। जैसा कि डीडीए अभी तक अपने सारे पुराने फ्लैट लेकर आता रहता था, यानी कि जो उनके फ्लैट बच जाते थे स्कीमों में, लेकिन यहाँ पर जो डीडीए फ्लैट लेके आए हैं वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट है, यानी कि बिल्कुल नए नए फ्लैट बने हुए हैं। और जो एरिया है वो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नरेला में, द्वारका में, लोकनायकपुरम के अंदर ये फ्लैट निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन फ्लैटों के अंदर आपको गार्डन की सुविधा मिलने वाली है, साथ के साथ यहाँ पर जो है आपको पानी की, सीवर लाइन की सारी प्रॉपर सुविधा मिलने वाली है। ये मेरा बताने का कारण इसलिए है क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कि डीडीए ने फ्लैट निकाले और वहां पर मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिली है, लेकिन इस चीजों को ध्यान में रखते हुए डीडीए ने इस बार सारी सुविधाएं इन फ्लैटों के अंदर दी हुई है। और दोस्तों, साथ के साथ ये जो यहाँ पर फ्लैट होने वाले हैं वो बहुमंजिला इमारतें होने वाली है, यानी कि कम से कम नहीं तो 12 से 15 मंजिल के ये फ्लैट होने वाले हैं। साथ के साथ यहाँ पर आपको लिफ्ट की सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि भाई डीडीए जब भी अपनी बिल्डिंग बनाती है उसके अंदर वो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार लिफ्टें लगा के देती है। साथ के साथ यहाँ पर जो सबसे प्लस पॉइंट है, ये प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है, यानी कि आपने जैसे ही अपना फ्लैट बुक करा, आपकी बुकिंग हो गई, आपकी पोजीशन लेटर मिला, आप तुरंत जाकर वहां शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, बस सामान ले जाना है और रहने लग जाना है। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत बड़ी खास चीज इसके अंदर है, वो क्या है आपको मैं बता दूं। जब भी आप डीडीए की कोई प्रॉपर्टी लेते हैं वहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये डीडीए की जो प्रॉपर्टी है वो फ्री होल्ड है कि या नहीं है। अब लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा, भाई ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। जो लोग नए हैं उन्हें मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो भी आपका डीलर होता है या फिर जैसा भी डीडीए यहां पर फ्लैट निकाल लिए, तो जो भी यहां पर अथॉरिटी होती है उसकी तरफ से आपको सारे पेपर्स आपके नाम पे ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी कि रजिस्ट्री आपके नाम पे हो सकती है, साथ के साथ एमसीडी की म्यूटेशन हो सकती है, जिसमें भविष्य में आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं उठाना पड़ता है। तो ज्यादातर जो प्रॉपर्टी होती है, वेरीफाई प्रॉपर्टी होती है, वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, और डीडीए के 27,000 फ्लैट जो है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया ही है कि यहां पर जो फ्लैट है इसकी रजिस्ट्रेशन है, तो मैं आपको बता दूं इसकी रजिस्ट्रेशन जो है 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको एक फोटोग्राफ, साथ में आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर की जरूरत होगी। तो दोस्तों, यहां पर जैसे पिछली बार डीडीए ने जो फ्लैट निकाले थे वहां पर उन्होंने अपने जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट था वो 1180 रुपए रखे हुए थे, हो सकता है इस बार भी लमसम ऐसा ही हो या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो निकाले जा रहे हैं उनकी कीमत करीबन 11.5 से लेकर 13 लाख के बीच में आपको मिलने वाली है, और एलआईजी फ्लैट की कीमत आपको 23 से लेके 25 लाख के बीच में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप अपनी इनकम के स्लैब के हिसाब से आप यहाँ पर फ्लैट बुक कर सकते हैं। फ्लैट की रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास ऑप्शन खुलेगा फ्लैट को चूज करने का। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी अपनी बुकिंग पेमेंट, यानी कि जो भी डीडीए बुकिंग अमाउंट यहाँ पर निकालता है। तो दोस्तों, बुकिंग अमाउंट डीडीए कुछ भी निकाल सकता है, 50,000 से 2 लाख के बीच में। तो जैसे ही आप अपना फ्लैट चूज करते हैं तो आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिलता है अपने फ्लैट को बुकिंग पेमेंट देने के लिए। देन उसके बाद आप अपना फ्लैट जो है फाइनेंस करा सकते हैं या आप डीडीए को पेमेंट करके अपना पोजीशन लेटर ले सकते हैं। साथ के साथ यहां पर एक खास चीज ये होने वाली है दोस्तों कि अगर आपने एलआईजी फ्लैट लिया है तो एलआईजी फ्लैट आप डायरेक्टली बुकिंग करने के बाद
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करा के या फिर विदाउट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करा के भी आप पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस फ्लैट लेते हैं तो उस कंडीशन में जब आप पोजीशन लेंगे तो उस समय आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा डीडीए को। अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, भाई ईडब्ल्यूएस फ्लैट है लेकिन इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर जो डीडीए के फ्लैट होते हैं इसमें ईडब्ल्यूएस फ्लैट तो होते हैं लेकिन यहां पर आपको अपनी आय शो करनी होती है, यानी कि आपको अपनी इनकम शो करनी होती है। और यहां पर डीडीए कहता है कि भाई अगर आपने ईडब्ल्यूएस फ्लैट लिए हैं तो आपको अपनी पूरी फैमिली इनकम जो है 10 लाख से नीचे की शो करनी होगी, यानी कि चाहे मैं अपने नाम पे फ्लैट बुक करता हूं या अपनी वाइफ के नाम पे फ्लैट बुक करता हूं, लेकिन जो हमारी फैमिली इनकम है वो टोटल 10 लाख से अबव नहीं जानी चाहिए, टोटल 10 लाख से नीचे होनी चाहिए। तो यहां पर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा पोजीशन के समय में। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं जमा करा डीडीए में तो आप अगर ईडब्ल्यूएस फ्लैट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पोजीशन नहीं मिलने वाली है। साथ के साथ दोस्तों यहां पर कई लोगों का सवाल आता है कि मैं फ्लैट बुक करना चाहता हूं, क्या मैं अपनी बीवी के नाम पे करूं या अपने नाम पे करूं या अपने फादर के नाम पे करूं। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, आप यहां पर किसी के नाम पे भी फ्लैट बुक कर सकते हैं। बस थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो मेल पर्सन पे आपकी जो रजिस्ट्री अमाउंट है वो थोड़ा सा ज्यादा जाता है और फीमेल पर्सन के रजिस्ट्री अमाउंट पे आपका 1-2% कम जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्री में कितना परसेंट अमाउंट जाता है या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि जो डीडीए के फ्लैट निकलने वाले हैं उनमें और कौन कौन से फ्लैट्स हैं और कौन कौन सी फ्लैटों की जो डीडीए है वो पेशकश लाने वाली है जनता के सामने और उनकी क्या कीमतें होने वाली है, तो उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों यहां पर मेरे पास एक बहुत ही जेन्युइन सवाल ये आता है कि हम दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं, भाई क्या हम ये फ्लैट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं पे भी रहते हो, बशर्ते आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है, तो आप दिल्ली के अंदर ये फ्लैट ले सकते हो, यहां पर कोई रोक ठोक नहीं है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो सवाल सामने आ रहा था कि भाई दिल्ली के अंदर मेरे पास प्लॉट है, मेरे पास घर है, मेरे पास रजिस्ट्री का घर है या मेरे पास ऑलरेडी डीडीए का फ्लैट है, क्या मैं रजिस्ट्री होने के बावजूद या फ्लैट होने के बावजूद इन फ्लैटों को बुक कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीडीए ने यहां पर बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है कि आपके पास अगर पहले से डीडीए की कोई प्रॉपर्टी है या रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है या प्लॉट है या कुछ भी है तो भी आप इन फ्लैटों के लिए एलिजिबल हैं, आप इन्हें भर सकते हैं और ये फ्लैट आप ले सकते हैं। यहां पर किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं दी है डीडीए ने। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीडीए यहां पर आपके लिए कॉल सेंटर के अंदर बहुत अच्छी सुविधा लाने जा रही है, जहां पर आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं फ्लैट से रिलेटेड। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये डीडीए का नंबर है, इस पर आप कॉल करके, टोल फ्री नंबर है, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं इन फ्लैटों के बारे में। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप फ्लैटों को बुक करें तो आप डीडीए की ऑफिशियल साइट से ये फ्लैट बुक करें, यानी कि www.dda.gov.in। इसके अलावा दोस्तों मार्केट के अंदर या फिर हम कहें इंटरनेट पे बहुत सारी फेक साइटें चल रही हैं, डीडीए ने भी इस चीज को लेकर अवेयर किया हुआ है कि हमारी किसी फेक वेबसाइट पे गलती से भी आप जाके फ्लैट बुक ना करें, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आपको कोई नुकसान होता है यानी कि आपकी जो पैसों की हानि होती है उसमें डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, डीडीए की ऑफिशियल साइट पे ही जाके फ्लैटों की बुकिंग करें। और दोस्तों साथ के साथ जैसे ये फ्लैट निकल रहे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, देन इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए नरेला, द्वारका और लोकनायकपुरम के फ्लैटों की भी आपके लिए वीडियो लेके आए कि वहां पर आखिर फ्लैट कैसे बने हैं। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। साथ के साथ चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले।